हाँ जी बेटा, टॉपिक शुरू करन लगी हाँ स्टरलाइजेशन। सो इस दी इंट्रो च की आ रहा, कहिंदे अगर फर्मेंटेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कल्चर ऑफ सर्टन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स इन अ न्यूट्रल मीडियम, इफ द फर्मेंटेशन इज इन्वेडेड बाय अ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज मे अकर। राइट, की कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कहते फर्मेंटेशन हो रही है, तुसी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ सर्टन और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, दैन फॉर एग्जाम्पल थोड़ी फर्मेंटेशन चल रही सी उस दे विच कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम की एंट्री होगी, कहते तो की होएगा। फर्स्ट है, द मीडियम वुड हैव टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बोथ द प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एंड द कंटामिनेंट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। कि जिहड़ा मीडियम है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस दे विच, एक तो हो गया थोड़ा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम जिसनों असीं प्रोडक्शन ऑर्गेनिजम बोलांगे, जो फर्मेंटेशन दे विच लई रख्या होया, जिसका कम है फर्मेंटेशन करके सानू प्रोडक्ट देना, ते कंटामिनेशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए ठीक है, दैन वो एक भी हो सकता, एक तो ज़्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, दैन की होएगा ओवरऑल जिहड़ा थोड़ा प्रोडक्ट है उस दे विच थानू लॉस होएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फर्मेंटेशन अगर कंटीन्यूअस फॉर्म दे विच चल रही है, दैन मे बी ये हो सकता है कि इदा दी स्टेज आ जाए कि थोड़ा जिहड़ा कंटामिनेंट है, जो कंटामिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम है, वह बहुत ज़्यादा अमाउंट ग्रो हो जाए, एंड एट द एंड थानू ये रिजल्ट मिले कि इन बिटवीन थोड़ा जिहड़ा कंटीन्यूअस दे विच ये प्रॉब्लम आ सकती है, कि जिवें जिवें तुसी मीडिया विदड्रॉ करते हो विद टाइम, दैन थोड़ा जिहड़ा मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम सी वह अंदरों बिल्कुल खत्म हो जाए। दैन फॉरन ऑर्गेनिजम है वह फाइनल प्रोडक्ट दे विच भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता, प्रोडक्ट सही नहीं मिलेगा थानू। ठीक है, द फॉरन ऑर्गेनिजम मे कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, दैन आ रहा द कंटामिनेंट मे प्रोड्यूस कंपाउंड्स विच मे मेक सबसीक्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिफिकल्ट। दैन ये भी हो सकता है कि कंटामिनेंट्स कुछ योदे एक्सट्रा प्रोडक्ट्स विच बनाने कंपोनेंट्स बनाने स्टार्ट कर दे, जिस ना ओवरऑल जो थोड़ा फाइनल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करने डिफिकल्टी आए, दैन द कंटामिनेट मे डीग्रेड द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इट इज़ कॉमन इन बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर्मेंटेशन वेयर द कंटामिनेट वुड हैव टू रिजिस्ट टू नॉर्मल इनहिबिटरी इफेक्ट्स। की हो रहा है कि कंटामिनेंट है, मे बी वह डीग्रेड ही करते थोड़े डिजायर्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी तो डीग्रेड करते या उसमें बनना ही ना दे। ठीक है, वह एक्चुअल जो इफेक्ट हो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मेन काम ही यही होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना बॉडी चो। दैन कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन विद फेज विद फाज कुड रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द कल्चर। ठीक है, बैक्टीरियल फॉर्मेंटेशन हो रही सी विच फाज आ गए, दैन थोड़ा जो कल्चर है उस दे विच लाइसिस भी हो सकती है। तुसी शायद टॉपिक पता नहीं पढ़िया, माइक्रोच पता नहीं, एक टॉपिक हुंदा है, वर्ड हुंदा बैक्टीरियो फाज। ठीक है, बैक्टीरियो फाजिस की हुंदे हैं, वायरसिस हुंदे हैं, उसको बैक्टीरियो फाजिस करके बोला जाता है, क्योंकि वह बैक्टीरिया नू किल करता है। ठीक है, बैक्टीरियो फाजिस आर दोज वायरसिस विच किल और इफेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, किमें इफेक्ट करते हैं वह लाइसिस कर देंगे, जो जो बैक्टीरियाज ने उन्होंने अंदर वो पैनेट्रेट हो जाते हैं वायरसिस, वह वायरस को खत्म बैक्टीरिया की लाइसिस कर देंगे, उसको खत्म करना शुरू कर देंगे। एक तो वह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं जो वह बैक्टीरिया के अंदर वो फाज एंटर होंगे, वायरस एंटर होंगे, इंटरनेट थोड़ा ईजीली मिल जाएगा बैक्टीरिया फाज। वैसे बहुत इंटरस्टिंग एंड ईजी टॉपिक है, अगर किसी को नई डेफिनेशन समझ आए मैंने मैसेज कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा जहाँ थोड़ा दस भी दिंदी हाँ, ये सिंपल होंगे वायरसिस होंगे ने यह। ठीक है, एवें दी शेप दे वायरसिस होंगे, वायरस होंगे, बट इसनों असी बैक्टीरियो फाज बोलते हैं। की बोलते हैं? बैक्टीरियो फाज। दीज आर द वायरसिस विच इफेक्ट और किल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल सैल है फॉर एग्जाम्पल, ये अंदर ये पैरेंट्रेट हो जाते हैं फाजिस जो ये कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये की करते अंदर जाके
अपना जो डीएनए है वह मिक्स कर देंगे इस डीएनए के नाल, फिर जो इसकी रैप्लीकेशन होएगी फरदर, इस बैक्टीरिया की रैप्लीकेशन होएगी, दैन जो न्यू डॉटर सैल्स आएंगे उन्होंने फाज जो वायरस है उसका भी कुछ ना कुछ डीएनए का पार्ट अगे चला जाऊगा। तो कहो जी स्टेज आ जाती है कि जो ये बैक्टीरिया दिखता म्यूटेशन होगी प्लस वह उसको किल करना शुरू कर देता। सो कि इतने उसने की बोलिया सिंपल कि अगर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो रही थी इधर फाजिस चले गए दैन उसने बैक्टीरिया की ही लाइसिस कर देनी कल्चर की, दैन जो तो बैक्टीरिया ही खत्म हो गया दैन फर्मेंटेशन पॉसिबल नहीं हैगी। सो इफ टू अवॉयड दिस कंटामिनेशन, इस कंटामिनेशन अवॉयड करने लिए की हो सकता है, फस्ट स्टैप यूज अ प्योर इनोकुलम। पिछले चैप्टर एक स्टोरी नैक्सट चैप्टर इनोकुलम डिवेलपमेंट हम सिलेबस भी है, वह पढ़ोंगे तो भी थोड़ा पता चल जाएगा। प्योर इनोकुलम मीनस जो तुम फर्मेंटेशन स्टार्ट करनी है थोड़ा जो टारगेट है जो डिजायर प्रोडक्ट लैना है उसके अकॉर्डिंगली प्योर कल्चर लाओगे उसके नाल इनोकुलेशन करोगे फर्मेंटेशन करने के लिए। होर की हो सकता है स्टरलाइजेशन का मीडियम टू बी एम्पलॉयड, जरा मीडियम तुम यूज़ करना उसकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन करो, फरमेंटर वैसल की प्रॉपर स्टरलाइजेशन करो, ऑल द मटीरियल टू बी एडेड टू द फरमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, हर एक की स्टरलाइजेशन होनी चाहिए है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक तो यह हो गया कि असी जो फरमेंटेशन स्टार्ट करनी है दैन असी जो भी चीज़ा असी यूज़ करनी है वह सारिया चीज़ा थोड़िया स्टरलाइज होनिया चाहिए, तो तुम प्योर कल्चर यूज़ करोगे क्योंकि तुम इनोकुलम या कल्चर तुम स्टरलाइज नहीं कर सकते। अगर तुम ऑटोक्लेव पा के अपने कल्चर को स्टरलाइज करोगे तो ऑटोमैटिकली सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम किल हो जाएंगे, ठीक है। सो वी आर यूजिंग प्योर कल्चर जो कंटामिनेशन फ्री है। कंटामिनेशन की होगी अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बट वी आर इफ वी आर यूजिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम फॉर स्पेसिफिक फर्मेंटेशन दैन इट इज़ कॉल्ड एज अ प्योर इनोकुलम, ठीक है। सो उस तो बिना जो भी तुम मीडिया यूज़ करना है, जिस वैसल नू यूज़ करना है, ठीक है, फरमेंटर वैसल नू, जो भी चीज़ तुम अंदर ऐड करनी है उसको स्टरलाइज करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट प्योर इनोकुलम, सेकेंड स्टरलाइज ईच एंड एवरीथिंग, थर्ड इज मेनटेन एसेप्टिकल कंडीशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। थोनों ऑलरेडी पता है कुछ फर्मेंटेशंस मंथ्स लिए चल दी हैं, काफ़ी मंथ्स डेज दे लिए, देन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यू हैव टू मेंटेन ऑल द स्टरलाइज्ड कंडीशंस, एसेप्टिकल कंडीशंस, तुसी उसनू मेंटेन करना। अगर थोनों याद होवे तुसी फर्मेंटर पढ़िया सी उस तुसी प्रॉपरली देखा सी की देखा सी कि असी जदों भी फर्मेंटेशन रन करते हैं जो हमारा फरमेंटर है उस अलग अलग प्रोब्स लगे हुए हैं, वो हर एक प्रोब भी प्रॉपर स्टरलाइज होंगे एंड हर एक चीज़ अंदर एंटर जो भी होंगे स्टरलाइज होकर जाती है। अगर तुम डायग्राम ध्यान से उ लिखा होंगे स्टरलाइज एयर, राइट। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन। दैन इज योर टॉपिक इज फर्स्ट इज मीडियम स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो इसनों असी पढ़ोंगे नेक्स्ट वीडियो च, फिलहाल आज दे लई थोनों इंट्रोडक्शन, ओके।